हाउ डिड द एग्जाम गो? सर, मच बेटर देन माई एक्सपेक्टेशन। तो आप सभी क्वेश्चंस को गिवन टाइमलाइन में अटेम्प्ट कर सकते थे? यस सर। कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन जो आपको ज़्यादा टफ लगा हो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में से? तीनों सब्जेक्ट एवरेज थे, पर मैथ्स का जो इंटीरियर पार्ट है वो थोड़ा बहुत मिस। ओके, और आपको कैसा लगा? पूरा पेपर इजी था कि डिफ़िकल्ट था? इजी था पेपर। पूरा पेपर इजी था, मतलब आप आसानी से कर सकते थे पूरा पेपर, कोई भी ऐसा नहीं लगा कि फिजिक्स डिफ़िकल्ट थी, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री? फिजिक्स सबसे इजी। जनरली बच्चों को केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगती है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आकाश के मॉड्यूल, आकाश के टेस्ट पेपर्स और आकाश की जो टेस्ट सीरीज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, उन्होंने आपको कितना हेल्प किया अपना एग्ज़ाम को अचीव करने में? दे हेल्प मी लॉट। जो सर आकाश के टेस्ट में जो क्वेश्चन आते थे वो तो टफ रहते थे, पर जो टफ रहते थे उन्होंने ईजी क्वेश्चनों को जल्दी करने में मेरी मदद की। ईजी क्वेश्चंस को जल्दी करने में मॉड्यूल्स ने आपकी काफ़ी हेल्प की, टेस्ट सीरीज ने काफ़ी हेल्प की, वेरी गुड। और क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितने मार्क्स आएंगे आपके जीई मेंस में? 200 प्लस तो आ ही जाएंगे, वेरी गुड। और जेई एस्पायरेंट्स के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? करो घबराए ना, पेपर इजी आता है, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखें। दैट्स इट, मतलब कि अगर कॉन्फिडेंस ठीक ठाक है तो आप इजीली अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है आपका, करेक्ट? और लास्ट क्वेश्चन, कोविड गाइडलाइंस को लेकर कितने ज़्यादा आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है अवेयर था और किस तरह की प्रिपरेशन थी वहाँ पर? सर, गाइडलाइंस सारी फॉलो हुई, डिस्टेंस था बच्चों के बीच में और प्रॉपर सैनिटाइजेशन थी और मास्क थे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द जेईई एडवांस। थैंक यू।